हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ऑलमोस्ट फोन के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप Realme X2 लेने वाले हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। दोस्तों, नए साल में सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है सैमसंग A51। और दोस्तों, इस फोन की अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये Realme X2 के प्राइस के आसपास ही रहेगा। और दोस्तों, अगर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो काफी टॉप नॉच होगी, ये सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Realme X2 को सैमसंग A51 से और देखेंगे कि कौन सा फोन हमें वैल्यू फॉर मनी लगता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों फोन के कुछ मेजर डिफरेंस को। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा, वो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा सर्च करोगे तो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप स्मार्टफोन गैजेट रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, कॉमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मेजर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A51 में हमें 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक पंच होल डिस्प्ले है। और दोस्तों, इसके फोन के टॉप मिडिल में आपको कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और दोस्तों, पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दोस्तों 4GPPI के साथ आता है। वही दोस्तों, अगर इसकी पैनल की बात करें तो दोस्तों ये एक OLED पैनल है और ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। वहीं दोस्तों, अगर Realme X2 की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आता है। और इसमें भी आपको टॉप मिडिल में कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 32 मेगापिक्सल का है। और दोस्तों, अगर इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें, जो कि है 4.03 PPI। दोस्तों, दोनों फोन में हमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों, सेकंड मेजर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A51 में हमें काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो फाइबर ग्लास फिनिश के साथ आता है और उस पर आपको डायमंड कट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लुक काफ़ी प्रीमियम हो जाता है। दोस्तों, अगर Realme X2 की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपको फाइबर ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है और इसमें आपको एक स्पेक्ट्रम लुक देखने को मिलता है। दोस्तों, दोनों फोन में हमें मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दोनों फोन का फील काफी अच्छा हो जाता है इन हैंड। सो दोस्तों, नेक्स्ट मेजर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A51 में हमें मिलता है सैमसंग का ही एक्सिनोस 9611, जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। और इसमें हमें GPU में मिलता है माली का G72MP3, जो कि एक काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, इस फोन में हमें PUBG को स्मूथ ग्राफिक्स स्ट्रीम सेटिंग पर खेल सकते हो। और दोस्तों, आप इस फोन में HDR में भी PUBG को प्ले कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अगर Realme X2 की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G। और दोस्तों, ये भी काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। और दोस्तों, इसमें हमें मिलता है एड्रीनो का 618 GPU, जो कि काफ़ी तगड़ा है, बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, इसमें आप PUBG ग्राफिक्स को खेल सकते हो अल्ट्रा सेटिंग पर ही, स्मूथ सेटिंग पर, और सबसे हाई HD ग्राफिक्स पर आप खेल सकते हो, वो भी हाई सेटिंग पर। लेकिन दोस्तों, इस फोन में हमें HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, HDR में PUBG को आप प्ले नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हो HDR में या फिर एक्सट्रीम सेटिंग पर स्मूथ ग्राफिक्स में, तो आप GFX टूल का यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्मूथ चलता है। सो दोस्तों, दोनों फोन के नेक्स्ट मेजर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, Realme X2 में हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी A51 में 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग A51 आगे निकल जाता है Realme X2 से अल्ट्रा वाइड माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर के शॉट में। वही दोस्तों, दोनों फोन की सेकेंडरी सेंसर की बात एग्जांपल आप देख सकते हो स्क्रीन पर साइड बाय साइड। दोस्तों, एक तरफ मैंने नॉर्मल फोटो को रखा है और दोस्तों एक तरफ मैंने सुपर विजन नहीं तो डेडिकेटेड माइक्रो सेंसर रखा है। और आप दोनों फोटो को देखकर आप कंपेयर कर सकते हो। वही दोस्तों, इस मोड को आप अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का ही माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, सैमसंग A51 में आपको सुपर स्टडी मोड देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन देता है। और वहीं Realme X2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, आप दोनों फोन में 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS में। और दोनों फोन में आप सुपर स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो 720p एट 960 FPS में। अब दोस्तों, अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A51 में थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज की वजह से फोटो काफ़ी बढ़िया आता है और पोर्ट्रेट शॉट में जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी अच्छे से करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ मेजर फीचर्स की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, NFC का सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है।
वहीं दोस्तों अगर दोनों फोन की बैटरी की बात करते हो दोस्तों, Realme X2 में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि वूक फ्लैश चार्ज 4.0 के सपोर्ट के साथ आता है और बॉक्स में ही आपको 30 वॉट के चार्जर देखने को मिलता है। वहीं सैमसंग A51 की बात करें तो दोस्तों इस फोन में हमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और बॉक्स में 25 वॉट के चार्जर के साथ आता है और ये भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सो दोस्तों ये था क्विक कंपैरिजन सैमसंग A51 और दोस्तों Realme X2 के बीच। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय दे सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप ऐसे ही टाइप के कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।